हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमक समक और मैं हूँ पिया अरोड़ा। आज हम बनाएंगे श्रीलंका की बहुत ही इजी रेसिपी ड्राई पोटैटो करी। सच में ये रेसिपी बहुत ही इजी है और टेस्टी भी। जब भी आपके पास टाइम कम हो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। ड्राई पोटैटो करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पोटैटोस लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इनको बॉईल करेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम इनको सिर्फ 70-80% ही बॉईल करेंगे, पूरी तरह से बॉईल नहीं करेंगे। ये देखिए पोटैटोस हमारे बॉईल हो चुके हैं। चलिए इनको पानी में से निकाल लेते हैं। मैंने सारे पोटैटोस को पील कर लिया है, इनकी ऊपर की स्किन निकाल दी है। चलिए अब हम इनको क्यूब्स में कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। सभी पोटैटोस को मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया। इसमें हम डालेंगे 2 छोटी इलायची, बे लीफ, थोड़े से करी लीव्स। इसमें मैं डाल रही हूँ अनियंस। इनको हम अच्छे से सॉटे करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा जीरा, रेड चिली, हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड पोटैटोस और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ड्राई पोटैटो करी बिल्कुल तैयार है। चलिए फ्लेम को बंद करते हैं। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी मेयोनीज, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और थोड़ा सा ग्रीन धनिया। लीजिए, ड्राई पोटैटो करी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मज़ा से खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय।